बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। हम एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे 4.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करें, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यू, और टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स। हमने क्या फाइंड करना है? टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1, y इज इक्वल टू 5x² - 4x - 4x + 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड करें क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड करें टर्निंग पॉइंट। क्या बच्चों फाइंड करना है? टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, और बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। 5x² - 4x + 9। अब देखो एक से ज्यादा फंक्शन है, यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे? सम रूल। बच्चों 5 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव किसका ले लेंगे? x² का। -4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव x का, फिर डेरिवेटिव 9 का ले लेंगे। बच्चों 5 इसी तरह पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, क्या हमारे पास x है, पावर पहले, पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव -4 आ गया। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। 9 क्या है? कॉन्स्टेंट है बच्चों, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0-0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0। बच्चों 5 × 2 = 10 एक्स, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे 1, 4 आ गया। बच्चों ये था डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने क्या फाइंड करना है? टर्निंग पॉइंट। बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे? फॉर टर्निंग पॉइंट, सो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के बराबर। डेरिवेटिव फॉर टर्निंग पॉइंट, सो डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फॉर टर्निंग पॉइंट का फार्मूला क्या है? डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देंगे। फॉर टर्निंग पॉइंट के अंदर हमने देखो ना, पॉइंट फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर डेरिवेटिव को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। यहां पर लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, सो डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फॉर टर्निंग पॉइंट का फार्मूला अब ये डेरिवेटिव को, ये किसकी वैल्यू? डेरिवेटिव किसके किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? बच्चों x की वैल्यू निकाल लेंगे, tan x, और ये प्लस माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया x, और ये tan मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 2 × 4 = 2, 5 = 10। बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? 2/5 आ गया। ये वैल्यू किसकी थी? x की। ये हमने फाइंड करना है, ये फॉर टर्निंग पॉइंट। अब जोज नंबर 2, y इज इक्वल टू x² - 4x - 1। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव। पहला स्टेप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स,
और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस फोर एक्स माइनस वन। एक से ज्यादा टर्म है और यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे, सम रूल। सम रूल में बच्चों क्या करेंगे, अकेले अकेले के फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फोर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव एक्स का फिर डेरिवेटिव वन का। कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस के हमारे पास एक्स है माइनस फोर, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, क्या आंसर आ जाएगा टू एक्स, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे वन माइनस का फोर, क्या आंसर आ गया टू एक्स माइनस फोर। ये था डी वाई ओवर डी एक्स। हमने तो क्या फाइंड करना है, टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। फॉर जब टर्निंग पॉइंट पस, सो का मतलब है पस डेरिवेटिव जीरो हो गया, फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, फॉर टर्निंग पॉइंट का फार्मूला डेरिवेटिव जीरो के बराबर है। अब डेरिवेटिव की वैल्यू हो गया हमारे पास टू एक्स माइनस फोर, इसको किसके बराबर कर देंगे जीरो के बराबर, ये टू एक्स आ गया, ये माइनस का फोर उस तरफ जाके प्लस का फोर, ये टू मल्टीप्लाई इस तरफ आके टू क्या हो जाएगा डिवाइड, दो एकम दो, दो दुनी चार, एक्स इक्वल टू कितना आ गया टू आ गया। बच्चों ये था हमारा टर्निंग पॉइंट, ये था जोज नंबर टू। अब करेंगे जोज नंबर थ्री, जोज नंबर थ्री, जोज नंबर थ्री, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 16 ओवर x। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर dx और इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 16 ओवर x का डेरिवेटिव। एक से ज्यादा फंक्शन है, कौन सा रूल लगाएंगे, सम रूल। क्या करेंगे सम रूल के अंदर, हर एक फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव, 16 बाहर निकाल देंगे, वो एक्स का नीचे डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, नीचे एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वन। कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हो, ये एक्स क्या है, बेस है, प्लस 16। कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, क्या था पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास एक्स है, क्या आ जाएगा टू एक्स, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे वन, प्लस माइनस माइनस 16 एक्स की पावर माइनस टू, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे डेरिवेटिव क्या आएगा वन, 2x आ गया माइनस 16, और ये नीचे आगे पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव की। अब बच्चे इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 2x की 3 माइनस 2x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। डी वाई ओवर डी, अब फार्मूला लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, फॉर टर्निंग पॉइंट का फार्मूला डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, फॉर टर्निंग पॉइंट का फार्मूला डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। ये वैल्यू किसकी, डेरिवेटिव की, 2x की 3 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये x स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के साथ तो जीरो ही हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, 2x की 3 माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 एक्स की पावर 3 माइनस 8 आ गया इज इक्वल टू जीरो,
ये 2 भी उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x की पावर 3 माइनस इसको कर सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। हमने एक फार्मूला किया था a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 किसके बराबर था, a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ए की 3 माइनस b की 3, a माइनस b इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। इसका फार्मूला a माइनस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 और x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 2 भी 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जोन सी मसावात है, अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, इमेजिनरी, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। अब ये पॉइंट ले लेंगे, ये माइनस का 2 है, उस तरफ जाके क्या आ जाएगा प्लस का 2, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। और इसको हल करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा, अयोटे वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि टर्निंग पॉइंट कभी अयोटे में नहीं होता। ये था क्वेश्चन जोज नंबर 3, जोज नंबर करेंगे 4। जोज नंबर 4, y इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 10। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर dx और इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर dx। x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 10 प्लस 10। अब देखो एक से ज्यादा फंक्शन है, यहां पर कौन सा रूल लगा देंगे, सम रूल। क्या करेंगे सम रूल में, डेरिवेटिव d ओवर dx, x की पावर 3 का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 24 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, x का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव 10 का। कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल। क्या था पावर रूल, पावर को पहले उतार देंगे पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास x है, पावर रूल, पावर पहले पावर में से कम फिर बेस का डेरिवेटिव माइनस 24। एक्स को x के रिस्पेक्ट लेंगे 1, 10 क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 10 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई टू 6x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 dy ओवर dx। अब हमने क्या फाइंड करना है, टर्निंग पॉइंट। पहले क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 के बराबर है। फॉर टर्निंग पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव किसके बराबर है, 0 के बराबर। फॉर टर्निंग पॉइंट के डेरिवेटिव किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फॉर टर्निंग पॉइंट में डेरिवेटिव किसके बराबर है, 0 के बराबर। डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, इसको 0 के बराबर कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कौन सी मसावात है, क्वाड्रेटिक। अब इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। बच्चों इसकी क्या करेंगे फैक्टर, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 24, इस 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12, 12 का 2 आ गया 1 आंसर, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया, कितना आ जाएगा 72। 24 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, माइनस 72 एक्स स्क्वायर। अब इसके पेयर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 72, 2 मल्टीप्लाई 2 3 6, 2 6 12,
अब 3 पे करेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 4 12, 4 पे करेंगे 4, 4 एकम 4, 4 4 एकम 4, यहां पर 32 आ गया, 4 8 है 32, 4 8 32 आ गया। फाइव सिक्स पे करेंगे, 6 एकम 6, 6 दुनी 12। अब कौन से, अब हमें चाहिए माइनस का 6x, इसके साथ भी इसके साथ माइनस लगा देंगे और इसके साथ प्लस लगा देंगे। देखो प्लस माइनस माइनस 6 × 12 72 आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। हमने वो पेयर ढूंढ लिया जो मल्टीप्लाई करने से माइनस 72x² बने और प्लस माइनस करने से माइनस का 6x बने 3x². अब माइनस 6x की जगह पर ये दो पेयर लगा देंगे, प्लस का 6x माइनस का 12x माइनस का 24 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3x, 3 3 के साथ कैंसल x आ गया, प्लस 3 दुनी 6 एक्स एक्स के साथ कैंसल, ये माइनस का 12 आ गया, माइनस 12 माइनस 12 के साथ कैंसिल x, माइनस माइनस प्लस 12 दुना 24 = 0। अब 3x माइनस का 12 और x प्लस 2 = 0, और ये दोनों किसके बराबर है, और 0 के बराबर है, ये दोनों ही 0 के बराबर है। 3x माइनस 12 = 0 और x प्लस 2 = 0 के बराबर। अब ये 3x आ गया, ये माइनस का 12 है, उस तरफ जाके प्लस का 12, ये 3 मल्टीप्लाई उस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, x = 3 4 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x = प्लस का 2 माइनस का 2, ये x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। ये था जोज नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना। Master Hand.